20 के नोट की कांवड़ यहाँ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी कि 20 रुपए के नोट की कांवड़ हर की पौड़ी पहुंच चुकी है और लोग जो हैं अपने फोन में इसकी तस्वीरें कैद करते आपको दिखाई दे रहे होंगे। 20 रुपए के नोट से कांवड़ को पूरा सजाया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का। दिल्ली वाले हैं? दिल वाले पूरे लगाए 20-20 के नोट ही। कितने रुपए हैं टोटल ये? इसमें 30,000 रुपए लगाए। 30,000 रुपए? हाँ जी। खाली रुपए ही रुपए है। और कितने दिन में पहुँचोगे जल लेके? 10 दिन में। लगभग 200 किलोमीटर है? 200 से ऊपर है, 250 करीब। मेरा एक्सीडेंट हो चुका है जब से छोड़ दिया कि नहीं अभी भारी कावड़ नहीं उठाने। अच्छा। अभी हल्की कावड़ लेके चलो। तो आपने कितना टाइम लगा बोले से बनाने में? एक दिन लग गया बोले। पूरे 24 घंटे? अब क्या करोगे इन रुपयों को यहाँ से कावड़ लेने? अभी यहाँ से जाएगी मंदिर में जल चढ़ेगा। मंदिर में जल चढ़ने के बाद में ये रुपये उतारे जाएंगे। एक ही लिए, अभी दूसरा जोड़ा तो करना है। अच्छा, अगली बार देखते भगवान ने चाहा तो 50 की आएगी। फिर 50 की आएगी और क्या? तो 1 लाख लग जाएंगे। एक क्या 1.5 लाख लगे तो लगाने तो रही। मेरी नौकरी है, 16,000 रुपए की नौकरी करता हूँ। तेल क्या करते बोले? दुकान पे जॉब करता हूँ। 60 लीटर? तो पहली बार आए बोले? पहले भी बोले 15 साल से कावड़ ला रहा हूँ। शंकर भगवान की जय। बड़ी बात है, जो 16,000 की नौकरी कर रहे हैं वो 30,000 की कांवड़ लेके 20 के नोट लगाकर हर की पौड़ी पहुंच चुके हैं। 36,000 रुपए बता रहे हैं कांवड़ में लगे। ये देख सकते हैं भाई, बम बम के जयकारों के साथ भोले यहाँ से निकल चुके हैं। 20 रुपए वाली कांवड़ जो है वो हर की पौड़ी से जो है निकल चुकी है अपने गंतव्य की ओर। With 18 plus years of excellence, Devbhoomi Uttarakhand University inviting admissions for session 2023. Choose your options from 120 plus program. One university, unlimited opportunities. नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले द्वारका द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। जैसा हरी टीवी लगातार दिन रात आपको कांवड़ से जुड़ी हुई खबरें दिखा रहा है, इस समय भी हर की पौड़ी पर मौजूद है। आज गुरु पूर्णिमा भी है और एक खास कांवड़ को लेकर आपके बीच में जुड़े हैं। जैसा आपने देखा, कांवड़ में लगातार जो है बदलाव आ रहे हैं हर साल और तरह तरह की कांवड़ आपको देखने को मिलती है। इस समय अगर मैं आपको बड़ी खबर लेकर जुड़ा हूँ, इस समय देख सकते हैं कि 20 के नोट की कांवड़ यहाँ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी कि 20 रुपए के नोट की कांवड़ हर की पौड़ी पहुँच चुकी है और लोग जो हैं अपने फ़ोन में इसकी तस्वीरें कैद करते आपको दिखाई दे रहे होंगे। देख सकते हैं कैसे यहाँ पर ये 20 रुपए के नोट में अगर आपको दिखाऊं तो कई सारे नोट यहाँ पर लगाए गए हैं। अभी जिनकी ये कांवड़ है उनसे भी बात करेंगे और ऊपर आपको इसकी भव्यता देख सकते हैं कैसे यहाँ पर ये कांवड़ सजाई गई है। ये देख सकते हैं भाई, घंटी यहाँ पर लगाई गई है और 20 रुपए के नोट से कांवड़ को पूरा सजाया गया है। पहली बार आपने ऐसी कांवड़ देखी होगी। हरिद्वार कांवड़ मेला अपने आप में विश्व विख्यात कांवड़ मेला है और जिस तरीके से यहाँ पर करोड़ों की तादाद में कांवड़िए पहुँचने वाले हैं, पीछे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आपको ब्रह्मकुंड नज़र आ रहा होगा और कांवड़िए अभी भी जो है जल लेने कुछ जल भर रहे हैं, कुछ जल लेने के लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपने कल से भरते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो आइए सीधा लिए चलते हैं हम भोले के पास, जिनकी कांवड़ है ये, क्या कहना है उनका, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। भोले थोड़ा यहीं कांवड़ के साथ ही आ जाओ। जय भोले की। जय भोले की। बोले क्या नाम है भोले का? मोनू। मोनू कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का। दिल्ली वाले हैं? दिल वाले पूरे तभी 20 के नोट लगा दिए? पूरे लगाए 20-20 के नोट ही। कितने रुपए हैं टोटल ये? इसमें 30,000 रुपए लगाए। 30,000 रुपए? हाँ जी। खाली रुपए ही रुपए हैं और बाकी कांवड़ के अलग लगे होंगे? कांवड़ के अलग है, सजावट के अलग है। तो टोटल कितने की कांवड़ बैठ गई लगभग? ये 35-36,000 रुपए की बैठ गई। अच्छा जी। हाँ जी। तो कितने दिन में पहुँचोगे जल लेके? 10 दिन में। लगभग 200 किलोमीटर है? 200 से ऊपर है, 250 करीब। अच्छा, 250 के आसपास है। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली में। दिल्ली में उस्मानपुर। अच्छा, तो पहली बार बोले लाए हैं ऐसी कांवड़? ऐसे पहले भी पिछले साल भी लाए थे शायद? ऐसा बोले मैं पहले खिलाता था, ये कलसों वाली कांवड़। अच्छा। मेरा एक्सीडेंट हो चुका है जब से छोड़ दिया कि नहीं अभी भारी कांवड़ नहीं उठानी। अच्छा। अभी हल्की कांवड़ लेके चलो। तो आपने सोचा कुछ अलग करता हूँ? तो देखी थी किसी की, तो मैंने कहा चल ठीक है, अब इस बार भारी नहीं उठा सकता तो हल्की तो उठा सकता हूँ, इसमें नोट ही नोट तो है, ज़्यादा वजन नहीं है जी, यही बना के ले आऊँगा। वो इच्छा थी वही हो गई, भगवान की कृपा से पूरी पूरी हो गई। हाँ, और कैसा लगा रही तुम्हारा के? बहुत अच्छा, आराम से घूम फिर रहे थे, 2-3 दिन घूमे। अच्छा, कहाँ कहाँ घूम लिए? नीलकंठ गया था, मनसा देवी गया एक दिन, नीलकंठ गया, फिर एक दिन आया कांवड़ लेने गया, कांवड़ लेके आया, फिर उसके बाद अपने धर्मशाला के बाहर बैठा, अंदर गई नहीं कांवड़, बाहर बैठ के बनाई। बाहर बैठ के बनाई। कितना टाइम लगा बोले से बनाने में? एक दिन लग गया बोले। पूरे 24 घंटे? 24 घंटों में ऐसा है कि धूप जैसे धूप नहीं थी जब तक बनाते थे, जैसे धूप आ गए। कितने आदमियों ने मिलकर बनाई? ये मैं हूँ, एक मेरा बोला। ये क्या नाम है बोले का? जतिन। 20 की नोट की कांवड़ बना दी है। हाँ जी।
कहाँ से आई है कला, मतलब कहाँ से आया ये आइडिया दिमाग में? बस भाई ने हमें बताया, हम बनाते चले गए। बनाते चले गए, बोले आइडिया कहाँ से आया ये? ऐसे ही देखा और सीख गए। अच्छा, एक बार देख लो, सब कुछ आया था। सबको आया था एक बार में, दिल्ली वाले यहाँ से भी हैं। और क्या, बोल शंकर भगवान की जय। बोले हरिद्वार आ गए हैं, यहाँ से चल भी देंगे, फिर कब आएंगे? अब मेरा तो जब मन करता, मैं तो जब रात की ट्रेन पकड़ के सुबह यहाँ आया था। अच्छा, और क्या, मैं तो 18 तारीख को पहले भी घूम के गया था। अच्छा, 18 तारीख को भी आया था, अब भी आया हूँ, पता नहीं लगता जब मन करता जब उठ के चला जाता। पास में दिल्ली है, दिल्ली दूर नहीं? दिल्ली दूर क्या, रात की ट्रेन है, सुबह यहाँ उतरती, फिर रात को बैठते, फिर सुबह घर पर उतर जाता। क्या करोगे इन रुपयों को यहाँ से कांवड़ लेने? अभी यहाँ से जाएगी मंदिर में जल चढ़ेगा, मंदिर में जल चढ़ने के बाद में ये रुपये उतारे जाएंगे, रुपये उतारने के बाद में जो हनुमान जी जैसे हमारे यहाँ होता है मंगलवार को, हर मंगलवार को महीने की पहले मंगलवार को हमारे यहाँ हनुमान चालीसा होती है। अच्छा, उसमें दिए जाएंगे, और हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी होती है उसमें दिए जाएंगे। जैसे अगर कोई, मतलब ये नोट धार्मिक कामों में लगा, धार्मिक कामों में जाएगा, कोई किसी के उसमें नहीं है कि हाँ भाई ये खाने में जा रहे हैं, अपनी जेब में जा रहे हैं, नहीं। अच्छा, सब धार्मिक तो हैं। किसके, सबके हैं, आपके हैं खाली? मेरे गले, खाली आपके हैं? हाँ जी। मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं कि नोटों का क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल यही होता है उनके दिमाग में। नोटों को बताता रहा हूँ सर, ये नोट धार्मिक है। अच्छा, हम लेके आए बाबा के उसकी नगरी में, लगाया धार्मिक कामों में इस्तेमाल करने में, मतलब अब ये पूरी तरीके से धार्मिक काम में ही लगेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। ये नहीं है कि आज गया तो आज ही, मत कि किसी को दे दिया, किसी पंडित को दे दिया, किसी कहीं दे दिया, नहीं जी, ये लगे हुए 30,000 रुपये। 30,000 रुपये जैसे अभी हर मंगलवार को मेरा खर्चा, अभी मैंने पिछली बार भी करा था, उसमें मेरा खर्चा हुआ, तो मैंने किसी से नहीं बोला हाँ भाई ये खर्चा इतना हुआ, ये हुआ। भाई धार्मिक स्थल के हिसाब से अगर 1,000 रुपये भी एक महीने में 1,000 रुपये खर्च हो रहे, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 1,000 रुपये चले आएंगे इस वजह। और हमारी गणेश चतुर्थी आती है, उसमें तो हमारा खर्चा जाता ही होता। तो अगली बार क्या सोचा है? बोले अगली बार सोचा है, अभी तो इसका एक ही लिया, अभी दूसरा जोड़ा तो करना है। अच्छा, अगली बार देखते, भगवान ने चाहा तो 50 की आएगी, फिर 50 की आएगी। और क्या, तो 1,00,000 लग जाएंगे। एक क्या, 1.5 लाख लगे तो लगाने तो रही। अच्छा, जोड़ा तो करना ही है पूरा। अच्छा, बोले दिल्ली से आए, उत्तराखंड में हो, यूपी में भी जाओगे, कुछ बोले अधिकांश मिले योगी जी की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। बहुत तारीफ कर रहे हैं, हम खुद तारीफ कर रहे हैं, हमें खुद बहुत अच्छा लगा, हम तो सोच रहे हैं हमारे धरोहरा में। अच्छा, और क्या, उत्तराखंड वाले भी मांगते हैं उनको यूपी से? भाई साहब मांगेंगे मांगेंगे, जब अच्छा काम करेंगे। भाई तुम मांगोगे नहीं मांगोगे? सब मांगेंगे, किसी से भी पूछ रहे हो, किसी तुम ही मांगोगे? किसी को शंकर भगवान की योगी जी चाहिए नहीं चाहिए, किसी से भी पूछ लो, योगी जी मोदी जी किसी के बारे में पूछ लो कि हाँ जी योगी जी मोदी चाहिए नहीं चाहिए। जिसके खाने में पैसा नहीं है, सोचेगा मुझे घर पे बैठ कर पैसा मिले, तो वो तो कहेगा जी मुझे तो नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगा देखो जी मेरी नौकरी है, 16,000 रुपये की नौकरी करता हूँ, तेल भी करते बोले, दुकान पे जॉब करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट जॉब है, आराम से दुकान पे जाता हूँ, कमाता भी हूँ, खाता भी हूँ, पैसे भी उड़ाता हूँ। बोले ये देख लिए भाई, ये बड़ी बात है, जो 16,000 की नौकरी कर रहे हैं वो 30,000 की कांवड़ लेके 20 के नोट लगाकर हर की पौड़ी पहुँच चुके हैं, 36,000 रुपये बता रहे हैं कांवड़ में लगे। कहीं ना कहीं ये भक्ति ये दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ हरिद्वार। एक कुंभ मेला यहाँ पर आयोजित होता है 12 वर्ष में, दूसरा कांवड़ मेला जो हर वर्ष आयोजित होता है, जैसा हमने आपको लगातार बता रहे हैं। अगर आपको इसकी भव्यता दिव्यता देखनी है तो आप हरिद्वार एक बार जरूर आइए, और आपको हर चीज़ यहाँ पर वो देखने को मिलेगी जो आपने शायद ही दुनिया में कहीं देखी हो। ये सही है, सही कह रहा है। मनाली जाएगा, इतनी दूर पैसे खर्च करने हरिद्वार में ना ले, नहीं जाएगा, देहरादून चले जाएगा, मनाली चले जाएगा, मगर यहाँ नहीं आएगा। आपके इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के सपने की तरफ पहला कदम, दून डिफेंस ड्रीमर प्राइवेट लिमिटेड। अपने सपनों को उड़ान दें, आज ही संपर्क करें 8650779069 पर। तो चले बोले फिर, चलो बोले, मैं भी चलने को तैयार हूँ बस। तो चल रहे हो आप? हाँ, अभी निकलोगे? जस्ट या टाइम लगेगा? जस्ट निकलूंगा अभी, टाइम होगा। तो चलो बोले, उठा लो फिर। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर, अब बोले अपनी कांवड़ उठाते हुए आपको यहाँ से, क्या नाम है बोलेगा? साहिल बोले। कहाँ से आए बोले? नजफगढ़ से। 20 रुपए की कांवड़ कैसी लगी? बढ़िया लगी बोले। सही लगी? बोल शंकर भगवान की जय। यहाँ देख सकते हैं भाई कांवड़ अब जो है ये अपनी उठाने जा रहे हैं पूजा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कांवड़ उठाने से पहले जैसा प्रथा है, प्राचीन जो परंपरा है कि पूजा की जाती है, धूपबत्ती जलाई जाती है, उसकी आरती की जाती है। इधर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये भोले हमारे साथ कुछ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये कलश यहाँ पर आई है, इनसे भी बात कर लेते हैं थोड़ा। जब तक बोले कहाँ के रहने वाले हो? नजफगढ़ के। बोले अभी दिल्ली? हाँ। अच्छा, आजा तुम तो भी मिले। हाँ। सारे बोले साथ के हैं? सारे बोले ग्रुप के। बोले कितने बोले आ रखे दिल्ली वाले? 13 बंदे। बोले 13 बंदे सारे? हाँ जी बोले। हाँ जी बोले।
दिखा दो ये देख सकते हैं भाई, सारे कल से इनके दिखाई दे रहे होंगे, कितने कितने लीटर के जा रहे बोले ये सब अलग अलग है। किसी का 11 लीटर जल है, अच्छा किसी का 21 लीटर है, तो किसी का 11, किसी का 21, किसी का 35, अलग अलग है मतलब श्रद्धा के हिसाब से। हाँ, और वहाँ पे मेरा रखा हुआ है, मेरा 60 लीटर है वो रखा हुआ है। मतलब 60 लीटर तो पहली बार आए बोले, पहले भी बोले 15 साल से कावड़ ला रहा हूँ। 15 साल से कितनी दिक्कत आती है आने जाने में? दिक्कत बोले अभी तक तो मेरे को नहीं आई, एक बार दिक्कत आई थी बस हल्की सी, जो था नसीब में जैसा बोले की इच्छा थी, बाद बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं आती है, मर्जी उसकी है ऊपर वाले की। बोल शंकर भगवान की जय, बोल नीलकंठ महादेव की जय। जयकारों में बोले थोड़ा धीमा पन आ रहा, थके हुए क्या? नहीं बोले, बोल शंकर भगवान की जय, बोल नीलकंठ महादेव की जय। बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम 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 बोल बम बम बम। ये देख सकते हैं भाई महाराज की जय। ये देख सकते हैं भाई भोलों की फौज हरिद्वार में कर रही ये मौज कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं उस 20 रुपए की कावड़ की तरफ जो यहाँ से रवाना होने वाली है। हाँ देख सकते हैं भाई भोले जो हैं कावड़ उठा के हर की पौड़ी से निकल चुके हैं, कहीं ना कहीं ये आपको कावड़ जो है वो अब जाती हुई दिखाई दे रही है दिल्ली की तरफ। बताया उन्होंने 16,000 की नौकरी करते हैं और 30,000 रुपए यहाँ पर देख सकते हैं कावड़ में लगा दी है। ये 20 रुपए की नोट की कावड़ आपको ये यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर है अगर एक्सक्लूसिव हरी टीवी आपको अपने चैनल के माध्यम से किस तरीके से बोले थोड़ा सा रास्ता का।